हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल रेमत राज मैथमेटिक्स में। दोस्तों, यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो लाल बटन दबाकर इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। रोजगार और शिक्षा से संबंधित हर एक खबर आपको इस चैनल पर सबसे पहले मिलती रहेगी। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे RPSC फर्स्ट ग्रेड एग्जाम 2018 के बारे में। आज की 10 बजे की बड़ी खबर, आयोग ने ये क्या किया, एग्जाम डेट ही बदल डाली, आंदोलन में धरना प्रदर्शन सफल। तो चलिए दोस्तों, RPSC फर्स्ट ग्रेड की लेटेस्ट न्यूज के आर की चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, कार्यालय जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट भरतपुर, परीक्षा प्रकोष्ठ प्राध्यापक 2019, दिनांक 12/12/2019, संयुक्त निदेशक पशुपालन विभाग भरतपुर संभाग भरतपुर, विषय प्राध्यापक प्रतियोगी परीक्षा 2018 हेतु अधिकारियों की सूची भेजने बाबत उपरोक्त विषय अंतर्गत लेख है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा अजमेर द्वारा आयोजित प्राध्यापक प्रतियोगी परीक्षा 2018 की दिनांक 3/1/2020 से 13/1/2020 तक आयोजित कराया जाना निश्चित किया गया है। अतः आप अपने परिक्षेत्र में स्थित समस्त राजकीय संस्थानों में कार्यरत अधिकारियों की सूची MS Excel के कमेरले 010 में तैयार करके, यानी हिंदी भाषा 010 में तैयार करके दिनांक 13/12/2019 तक हार्ड कॉपी व सॉफ्ट कॉपी इस कार्यालय में उपलब्ध करवाए। नाम कर्मचारी 2 पद, 3 पद स्थापन, 4 मोबाइल नंबर, 5 ये जो कॉलम है आपको क्रिएट करने हैं, ऐसा इसमें लिखा गया है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं पूरा का पूरा मामला जो है प्राध्यापक भर्ती परीक्षा 2018 का है और ये परीक्षा 3 जनवरी को आयोजित होगी, ऐसा इस प्रपत्र से सामने आ रहा है। क्योंकि सेंटर के लिए जो ड्यूटी लगनी है शिक्षकों की, उनकी सूचियां भी मांग ली गई है। दोस्तों, अभी भी आंदोलन तेज गति से चल रहा है और कोशिश ये कि परीक्षा तिथि को आगे खिसकाया जाए। दोस्तों, आज कांग्रेस की जो है विशाल रैली है दिल्ली में और वहां पर काले झंडे भी दिखाए जाएंगे। तो दोस्तों, क्या एक्शन होता है, पल पल की खबर पाने के लिए चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब आप जरूर करें। मिलते हैं ऐसे ही नई लेटेस्ट न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।